फाइनल मैंने ले लिया टिकट, अब चलते हैं अंदर। अभी हूँ मैं अपने नानी की दुकान पे, और ये है लकड़ी कटने वाला मशीन, एंड इधर ये सारे सामान लगते हैं, वे लकड़ी वगैरह। ओरिजिनल तेल है, धनिया, मैं नहीं देती सारे सामान। बताइए यहाँ का तेल अच्छा होता है कि खराब होता है? हाँ, यहाँ का तेल, फिर से बोलिए, यहाँ का तेल अच्छा होता है कि खराब होता है? अच्छा, अच्छा होता है, कंफर्म। कितनी बार ले गई है यहाँ से? कब वो ही जैसे ले जा ली ऐसा बोल रही आंटी। और ये बाबूलाल मिस्त्री है जो यहाँ पे वर्क करते हैं। एंड देखो यहाँ पे ये नानी के घर का है, नाना के टाइम से, फिर इसको मामू देखते हैं। सब में तेल है, इन सब में ओरिजिनल ऑयल है, इधर भी सब सब में ऑयल होता है। इधर ये मशीन है ऑयल वाली, ये सरसों का और इस सरसों का निकलता है। एंड इधर ये सब केजी वगैरह वाला है, जब छोटी थी तो उठा के बॉडी बिल्डिंग का काम करती रहती थी। और ये इधर आटा पिसता है, इसमें ये आटा वाली मशीन है, और हल्दी वगैरह भी। एंड ये लकड़ी जिसमें कटता है। इधर सारे खस्सी बकरी वगैरह हैं सब। और ये रहा आउटफिट, आप यहाँ से कितना भी चावल लेके जा सकते हो, मतलब बहुत स्टॉक है इधर, बहुत है अपने पास स्टॉक है। आउटफिट ये सब एक्चुअली थोड़ा थोड़ा सामान यहाँ पर रहता है, बगल में गुडाउन है उसमें पूरा सामान भरा पड़ा रहता है, तो ऑयल भी है, स्टॉक का स्टॉक भरा पड़ा रहता है। आप यहाँ से चाहो कभी भी लेके जा सकते हो। मैं डाल दूँगी नंबर, और साथ में जो भी मसाला वगैरह आप चाहो तो यहाँ पे पिसा सकते हो, जो भी चाहो कर सकते हो। ये एग्जैक्टली थावे का है, मुझे पता है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो थावे और गोपालगंज के साइड से हैं, तो मैंने बता दिया एज अ नॉर्मल। और वैसे भी मामू यहाँ के फेमस हैं, बताने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को। बस इतना बोला ना, आ रहा मशीन ओवर ब्रिज के पास वाला, कोई भी बता देगा, यहाँ कोई नहीं है जो नहीं बताएगा। नाना के मामू के टाइम से आई थिंक, मैं पूछती हूँ इनसे। बाबूलाल अंकल, बाबूलाल अंकल, आप यहाँ पे कब से, कितने साल से काम करते हैं यहाँ पे? आप कितने साल से काम करते हैं? हाँ, हाँ, छियालीस, चालीस, चालीस साल से कंटिन्यू, चालीस साल से अंकल यहाँ पे कंटिन्यू काम करते हैं। और अच्छा, इनके भाई भी करते हैं? हाँ। वो कब से करते हैं? हाँ। वो कब से करते हैं? वो हमसे पहले था। यहाँ पे आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। और कोई शिकायत वकायत? कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं, मतलब बोल ही रहे हैं। और बताने जाएंगे यहाँ पे कि नहीं, शिकायत करना यार, शिकायत सब कुछ परफेक्ट है। चलो थैंक यू सो मच। और यहाँ पे सर्फ भी मिलता है 5 kg का, उस पर किसी पे टीयर टब फ्री है, किसी पे बाल्टी, किसी पे ये, और ये सब मसाला वगैरह सब अवेलेबल है। एनी टाइम यहाँ पर रहते हैं ऑलरेडी कस्टमर, क्योंकि बीच मार्केट में है। इज माय अब्बा, हंसिए और हंसिए। ये कि सारा काम अंकल के ऊपर छोड़ा जाता है, मेरे खालू भी उठ गए, मेरे अब्बा जी, और यहाँ पे कर रहे हैं। एक आदमी बोला सब में से 250-250 भैया कर दा।
ही कर रहे हैं। हेलो पापा, ये क्या है? किस चीज का? मसाला का, अंदर आटा होता है। अच्छा, इधर ये सब लकड़ी है, ये सब लकड़ी, और उसमें ना इस लकड़ी का भूसी, मामू ने एक शिप भी पाल रखा है, भेड़। ये इतने बड़े बड़े मशीन होते हैं जो इस ये चलते हैं, लकड़ी कटते हैं, और उधर भी एक बकरी है, ये सब यहीं पे रहती है, और ये लकड़ी है, और अलमारी, चौकी, और ये सब जो भी सामान होता है ये सब बनते रहता है यहाँ पे ऑलरेडी। अभी रात है ना, इसीलिए इधर सारा अपना ही सामान रखा हुआ है लकड़ी का, जो भी है वो चौकट, योकट, ये सब जो भी कुछ भी है सब बनता है। ये गोडाउन है, ये गोडाउन है, ये गोडाउन है, उसमें गोदान है, और इधर ये सारा पड़ा हुआ है। कल सुबह में अगर क्लियर होगा तो दिखाएंगे। फिर उधर पूरा है, और दोनों में, और ये नानी का घर, ये किचन का एरिया है जिससे रोशनी आ रहा है, वो किचन है, और वो स्टोर रूम है, और ऊपर छत है, और इधर सारे रूम्स वगैरह हैं, इधर सब कुछ है, इधर जनरेटर है, एक ये भी है, वो भी है, दो दो है, और ये शॉप एंड ऊपर घर, इधर सामने ओवर ब्रिज है। एंड इधर ये, फिर ये सब खुल जाते हैं, और ये मसाला वाला मशीन है, तो ये अंकल जा रहे जलाने। जलाएंगे क्या अंकल? जलाइएगा? हाँ। अच्छा, यहाँ पे कोई भी आके ऐसे हाथ ऐसे ठंडी में करते हैं लोग, तापते हैं लोग। ये भी शॉप के अंकल हैं। होता है पॉलिथीन में भी पॉसिबल है। लीटर 200 का है ओरिजिनल तेल। अभी अंकल ना खत्म हो गया कंटेनर में 1000 पलट। पापा साथ में बर्गर के साथ भी करते हैं। अब एक पर्सन आए 250 बोल रहे हैं लेन। की मेहनत ये डेली लगता है, डेली हटता है। अब दुकान हट रहा है, शाम हो गया है। नानी का पेंसिल से काटने का स्टाइल। खाला बना रही है आज एक इधर ये एंड अब चलते हैं इसमें आलू डालने। इसमें इधर ये मीडियम फ्लेम पे वो मसाला एकदम फर्स्ट क्लास रेडी। एंड अब इसमें जाने वाला है थोड़ा सा वाटर, आई थिंक ये इनफ है। एंड अब इसमें जाएगा एग।
तू मेरा रेडी है ना, मस्त फर्स्ट क्लास। ये पूरा साइड साइड से तेल भी आ गया एंड इसको कहते हैं बंद। इस फ्लेम पे मैंने बनाया है बंद, कहानी ख़त्म। इन लोगों के लिए जलता है ये मार्केट। चलने चल रहे हैं, इधर सारा बीज मिलता है, दे चुके अब चल इसको इस शेयर करके हम लोग खाने। अभी मत तेरा मुंह में कुछ है पान है ठीक है तो नहीं कूला करेंगे नहीं इसी अरे कूला नहीं नहीं इसी तरह खाएंगे। कूला वाला नहीं खाता एक बार चिल्ली अपनी। जी मम्मा का ले नहीं सकते हैं। नानी मेरी स्टाइलिश नानी है, ये बर्गर ऐसे ही खाएंगी। खा लो मम्मी। अरे भाई एक बार काट तो लीजिए। अब बारी हमारी। दिस इज माई ब्रो चुड्डू भाई, मामू के बाद पूरा दुकान संभालते हैं। This is a brave man and अब हम लोग चलते हैं इनके साथ पार्टी शार्टी करने। खाइए उसके बाद आपको फिर ये खाना, हम लोग सब लोग शेयर करके खाएं। और भाई को पानी दे ले, टेक इट ब्रो। नानी का स्टाइल ऊपर देखते हुए एंड नीचे करते हुए। पानी गर्म ठंडा। नानी हैंडसम तरीके से ब्लेजर ब्लेजर डाल करके भाई ब्लॉग में आने इनको खाने मस्त सा। सब हो चुका है फिनिश एंड अब हम चलते हैं सोने। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय ब्लॉग एंड वीडियोस एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय टेक केयर एवरीवन।